नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दुर्गेश श्रीवास्तव और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में। और आज का टॉपिक है ट्रैवलिंग सेल्स वर्सन प्रॉब्लम। जैसा कि हम लोगों लास्ट क्लास में देखा कि नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने, कि ग्रेडी टेक्निक से कैसे नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नैपसैक प्रॉब्लम में भी मैंने बताया था कि दो टाइप की होती है, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम और 01 नैपसैक प्रॉब्लम। तो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम जो कि सॉल्व होता है ग्रेडी टेक्निक से, तो हमने ग्रेडी टेक्निक से देखा कि कैसे सॉल्व करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है ट्रैवलिंग सेल्स वर्सन प्रॉब्लम है, और ग्रेडी टेक्निक से देखेंगे कैसे ग्रेडी टेक्निक कैसे इसको सॉल्व करता है। तो ग्रेडी टेक्निक का मतलब मैंने बताया था कि लालची। लालची क्या होता है कि हर टाइम पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या करता है, अपने जो भी चॉइस है उसमें से बेस्ट चूज करने की कोशिश करता है। तो ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन भी कुछ वैसा ही है। प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम है क्या। पहले तो ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम ये है कि एक सेल्स पर्सन है और उसे क्या करना है कि एंड डिफरेंट डिफरेंट होम को विजिट करना है, और रिटर्न बैक उसे क्या करना है, स्टार्टिंग में जहां से स्टार्ट करता है उसी स्टेशन पे लास्ट में उसे अपने घर पे वापस आना है, उसी स्टेशन पे वापस आना है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक ग्राफ लिया है जिसमें डिफरेंट एट होम्स है, कि वो जैसे हॉकर होता है। एग्जांपल अगर हम लेके चले कि न्यूज़पेपर हॉकर होता है, वो क्या करता है कि अपने घर से स्टार्ट करता है, न्यूज़पेपर्स लेता है और वो मैक्सिमम ऐसी डिस्टेंस चूज करने की कोशिश करेगा जो उसके लिए मिनिमम हो, जो उसे कम डिस्टेंस तय करना हो। ठीक है, तो उसी के बेस पर ये है कि अगर कोई हॉकर है, अगर उसे यहाँ पे 8 प्लेसेस दे रखी हैं उसको विजिट करना हो, तो सारे प्लेसेस को ऐसे विजिट करे कि सारे प्लेसेस को विजिट कर ले और लास्टली वो अपने घर पे वापस आ जाए। ठीक है, तो वो कैसे मतलब उस पाथ को चूज करे, तो उसी लिए हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ग्रेडी टेक्निक। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ दे रखा है जिसमें 8 प्लेसेस है और उनके डिस्टेंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जैसे यहाँ पे 8 नोड दे रखे हैं, तो हम 8x8 की मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, 8x8 की मैट्रिक्स बनाएंगे और जितने भी नोड्स हैं जैसे H1, H2 अप टू H8 है, ये ऊपर हम लिख लेंगे H1, H2 अप टू H8। सेम हेयर H1, H2, H3, H4 अप टू H8 यहाँ पे भी लिख लेंगे। और जो भी डिस्टेंस दे रखा है, जैसे H1 टू H1 मूव करने का मैंने 0 ले रखा है, H2 टू H2 मूव करने का 0, ये बाय डिफॉल्ट 0 होगा। बाकी डिस्टेंस जो डायरेक्ट पाथ है H1 टू H2 जाने का, जैसे पाथ है यहाँ पे 5, जैसे H1 टू H3 जाने का कोई पाथ नहीं है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, डैश कर देंगे। दैट मींस कि कोई भी एक डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो हमने डैश यूज कर लिया। अगर डायरेक्ट पाथ है तो वो जो भी डिस्टेंस वैल्यू दे रखी है एज पे, वो एज की वैल्यू हम वहां पे लिख लेंगे। क्लियर है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी 8x8 की। ये मैट्रिक्स कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एक आर्बिट्री नोड्स लेंगे जहां से हम स्टार्ट करेंगे विजिट करना। मान लेते हैं कि H1 इसका होम नोड है, H1 क्या है, उसका होम प्लेस है, वो यहां से H1 से स्टार्ट करता है विजिट करना, H1 से स्टार्ट करता है विजिट करना। तो H1 से क्या करेगा, यहां पे हम देखेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 4। तो 4 कहां की डिस्टेंस है, H6 की। दैट मींस कि वो H1 से अगर मूव करे H6 को, तो उसे सिर्फ 4 किलोमीटर ही, अगर किलोमीटर की हम बात कर ले तो 4 किलोमीटर ही उसे क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो यहां पर हम नोट करते जा रहे हैं कि उसने क्या किया, 4 किलोमीटर विजिट कर लिया। देन नेक्स्ट H4 पे आ गया, तो H6 पे आ गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट H6 से। अब H6 से कहां पे जाए, तो यहां पे सर्च करेगा कि मिनिमम कौन सा है एक्सेप्ट 0। यहां पे एक 4 है और 3 है, तो क्या करेगा, इस 3 को डिस्टेंस को कवर करेगा। 3 डिस्टेंस कवर करते हुए कहां पे पहुंच जाएगा, H7 पे। दैट मींस उसने क्या किया कि ये पर्टिकुलर H7 भी उसने विजिट कर लिया, और डिस्टेंस कितना यूज किया उसने, 3 का, तो ये आ गया 3 H7। अब H7 से वो कहां पे मूव करे, H7 से वो कहां पे मूव करे, 2 डिस्टेंस मिनिमम में, 6 है, 3 है, 2 है, तो 2 डिस्टेंस को कवर करेगा। तो 2 डिस्टेंस कवर करने से कहां पे पहुंचेगा, वो H8 पे पहुंचेगा। दैट मींस वो H8 को विजिट कर ले, जो कि डिस्टेंस होगा 2, तो हमारी H8 पे आ गया, H8 पे आ गया। अब H8 पे क्या करेगा, वो सर्च करेगा मिनिमम की, यहां पे मिनिमम कौन सा है, 2। तो 2 को जब देखेगा तो S7 है, तो S7 ऑलरेडी विजिट कर चुका है। जब ऑलरेडी विजिट कर चुका है तो क्या करेगा, नेक्स्ट मिनिमम फाइंड आउट करेगा। तो नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है, 7 और 4 में 4 मिनिमम है, तो 4 कौन सा है, H5। तो H5 को विजिट करेगा और वो ये डिस्टेंस ऐड कर लेगा 4, H5 पे आ गया। अब H5 से क्या करेगा, वो नेक्स्ट
अपने रो में मिनिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो 3 है, 7 है, 6 है, 4 है, तो 3 मिनिमम है, तो 3 मिनिमम कवर करके कहां पे जाएगा वो, H2 पे जाएगा। तो ये 3 डिशन भी हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 3, अब वो आगे कहां पे, H2 पे आ गया, क्लियर है। H2 से वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, सर्च करेगा मिनिमम। तो मिनिमम कौन सा है यहां पे, S3 है, S3 का क्या है 2 किलोमीटर, तो वो H2 पे जाएगा, S3 पे जाएगा। S3 का कितना आया 2 किलोमीटर, ऐड कर दिया 2, H3। नेक्स्ट S3 से वो क्या करेगा, मिनिमम सर्च करेगा, मिनिमम कौन सा है 1, H4। तो ये 1 किलोमीटर कवर करके वो कहां पे पहुंचेगा, H4 पे पहुंचेगा, H4 पे पहुंचा। तो H4 से उसने क्या किया, सर्च करेगा, यहां पे नेक्स्ट मिनिमम क्या है, H3, S3 का 1 किलोमीटर है, S3 कवर हो चुका है, नेक्स्ट ये 4, H2 कवर हो चुका है, नेक्स्ट क्या है 6 मिनिमम है, तो और क्या करेगा H1 पे आ जाएगा, जो कि उसका होम डिस्ट्रिक्ट है, होम प्लेस है, जहां से उसने स्टार्ट किया था ट्रैवर्स करना। H3 से H1 H4 आ गया 6, यहां पे क्या हुआ, ये होम प्लेस पे भी आ गया, रिवर्ट बैक हो गया अपने, जहां से उसने स्टार्ट किया था H1 पे, H1 पे ही एंड हो गया। अब नाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ 4, 3, 7, 2, 9, 4, 13, 16, 18, 19 and 25। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो होगा 25 किलोमीटर की अगर बात करें तो किलोमीटर, दैट मींस कि उस हॉकर को मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, 25 किलोमीटर, जो कि ऑप्टिमल होगा अपने आप में, हम बात करें तो क्या होगा ऑप्टिमल, इससे मिनिमम डिस्टेंस उसे नहीं मिलेगा। समझो, जो हमारा पाथ होगा वो क्या होगा, H1, 2, H6, देन H7, देन H8, देन H5, H5 to H2, H2 to H3, H3 to H4 एंड देन H1। दैट मींस हमने H1 से स्टार्ट किया और H1 पे एंड कर गए, हमारा पाथ क्या बना, H1 to H6, ये H6 है, H7 से H8 से H5 से H2 to H3, H3 से H4 एंड देन H4 से H1। दैट मींस हमने स्टार्ट किया H1 से और हमारा फिनिश कहां पे हुआ, H1 पे फिनिश हुआ, क्लियर। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये टेक्निक, और आगे भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मिनिमम स्पेनिंग ट्री प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग रेडी टेक्निक। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद।